नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि विक्रम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 71 साल की उम्र में जबरदस्त फिट है। वो 20-20 घंटे काम करते हैं। उनकी इस एनर्जी का राज है योग और खान पान में जबरदस्त कंट्रोल। लेकिन कई ऐसे वर्ल्ड लीडर्स हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। इनमें सबसे ताजा नाम है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। NMF न्यूज ने ऐसे सभी इंटरनेशनल लीडर्स की CT स्कैन रिपोर्ट तैयार कर ली है। ये रिपोर्ट बेहद गौर से देखिएगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग रहस्यमय बीमारी की जद में है। सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डिमेंशिया रोग से ग्रसित हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की बीमारी ने घेर लिया है। सोचिए, ये दुनिया की वो ताकतें हैं, उस देश के हुक्मरान हैं जिनके यहाँ न मेडिकल फैसिलिटी की कमी है न सुख सुविधाओं की, फिर भी हर कोई इन बीमारियों से जूझ रहा है। सबसे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात, जिनका इस लिस्ट में सबसे नया नाम जुड़ा है। इंटरनेशनल मीडिया में 68 साल के जिनपिंग की बीमारी से जुड़ी खबरें सुर्खियां बटोर रही हैं। दावे किए जा रहे हैं कि चीनी राष्ट्रपति को सेरेब्रल एन्यूरिज्म नाम की बीमारी हो गई है। ये एक तरह की दिमागी बीमारी है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग इस बीमारी का इलाज चीन की पारंपरिक पद्धति से करवा रहे हैं। वो सर्जरी पर जरा भी भरोसा नहीं कर रहे। पारंपरिक दवाओं के इस्तेमाल से दिमाग की ब्लड सेल्स नरम की जाती है। ये वही बीमारी है जिसकी वजह से साल 2021 में शी जिनपिंग अस्पताल में भर्ती हुए थे। पिछले कुछ सालों में जिनपिंग के स्वास्थ्य को लेकर लगातार बातें उठती रही। अब जाकर उनकी बीमारी का खुलासा हुआ है। पहली बार लोगों को जिनपिंग के बीमार होने का पता तब चला था जब मार्च 2019 में इटली की यात्रा पर वो थे। वहाँ चलते चलते जिनपिंग के कदम लड़खड़ा रहे थे। फ्रांस पहुँचने पर उनकी समस्या को लोगों ने नजदीक से देखा। इस दौरान उन्हें बैठने के लिए भी मदद लेनी पड़ी थी। अक्टूबर 2020 में शेंजेन में जिनपिंग जब स्पीच दे रहे थे तो उनकी आवाज काफी धीमी हो गई। वो बीच बीच में खांसते दिखाई दिए। इससे उनके बीमार होने की बातें पुख्ता तरीके से सामने आ गई। जिनपिंग की बीमारी की बातें तब ज्यादा खुलकर सामने आई जब वो बीजिंग विंटर ओलंपिक से पहले विदेशी नेताओं से नहीं मिले, वो भी तब जब चीन में कोरोना लहर खत्म हो गई थी। क्या है सेरेब्रल एन्यूरिज्म? जो बीमारी शी जिनपिंग को हो गई है उसे अब विस्तार से समझिए। इस बीमारी में किसी भी इंसान के दिमाग की नसें कमजोर होकर फूल जाती है। ये बीमारी ज्यादातर 50 साल से ऊपर के लोगों में देखी गई है। ऐसे लोग इसकी चपेट में ज्यादा आते हैं जिनकी उम्र ज्यादा हो या वो हाई ब्लड प्रेशर, जेनेटिक बीमारी, इन्फेक्शन, दिमागी चोट या तनाव से जूझ रहे हैं। इस बीमारी के साइड इफेक्ट भी समझ लीजिए। सेरेब्रल एन्यूरिज्म में बहुत तेज सिर दर्द, हाथ पैर का लकवा मार जाना, कमजोरी से चक्कर या फिर मिर्गी के दौरे आदि भी आने लगते हैं। जिनपिंग के तनाव की वजह भी समझ आती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन की इकोनॉमी इन दिनों डावाडोल स्थिति में है। इसकी मुख्य वजह यूक्रेन युद्ध के चलते गैस और तेल की कीमतों में उछाल को माना जा रहा है। साथ ही जीरो कोविड पॉलिसी से भी चीन की अर्थव्यवस्था को नुकसान झेलना पड़ा। व्लादिमीर पुतिन, कहा जाता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक नहीं बल्कि दो दो बीमारियों की गिरफ्त में है। यूक्रेन से वॉर के बीच 69 साल के पुतिन की ये बीमारियां फिर खबरों में आ गई हैं। आपने व्लादिमीर पुतिन को अलग अलग अवतार में देखा होगा। उनकी फिटनेस के बारे में अक्सर दुनिया चर्चा करती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि पुतिन को पार्किंसंस नाम की बीमारी के साथ पेट का कैंसर भी है। कहा जा रहा है कि कैंसर का इलाज सर्जरी से ठीक होने की स्थिति में, जबकि पार्किंसन को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि इस बीमारी से वो पिछले काफी वक्त से जूझ रहे हैं। अभी हाल में एक वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ था जिसमें पुतिन रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से मीटिंग के दौरान टेबल का एक कोना पकड़कर लगातार बैठे रहे। इस दौरान उनके दाहिने हाथ का अंगूठा थोड़ा हिल रहा था
उनका चेहरा तक फूला हुआ था। इस तस्वीर के बाद फिर कहा जाने लगा कि पुतिन का पार्किंसन बिगड़ रहा है। दरअसल पार्किंसन दिमाग से जुड़ी एक बीमारी, ये ज्यादातर बुढ़ापे में इंसान को घेरती है। इस बीमारी से दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचता है, हाथ पैर में झनझनाहट होती है, शरीर बैलेंस नहीं बना पाता, नींद आने में परेशानी रहती है। कई केसेस में इंसान याददाश्त तक खो बैठते हैं। कई बार ये बीमारी आनुवंशिक भी होती है। किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन की बीमारी हमेशा से एक रहस्य बनकर रही है। अमेरिका तो कई बार दावा कर चुका है किम की मौत हो चुकी है, किम ब्रेन डेड हो चुका है। कई इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा जाता रहा है कि किम मौत के बेहद करीब है, लेकिन कुछ कुछ महीनों में किम जोंग चहलकदमी करता हुआ नजर आ जाता है और दुनिया को चौंका देता है। कहा जाता है कि सिर्फ 38 साल के किम जोंग उन को कार्डियोवैस्कुलर नाम की बीमारी है, साथ ही वो हाई बीपी और दिल से जुड़ी अन्य बीमारियों से भी ग्रसित है। चेन स्मोकर होने से भी उनकी हालत अक्सर बिगड़ती रहती है। कार्डियोवैस्कुलर दिल से जुड़ी बीमारी, इसका मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है। दिल और ब्लड सेल्स में पैदा होने वाले विकारों के कारण कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज होती है। इस बीमारी में दिल का दौरा, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और आनुवंशिक हृदय रोग शामिल है। किम जोंग इन्हीं बीमारियों के चलते लंबे समय तक कैमरा की नजर से दूर रहता है, महीनों तक किसी भी प्रशासनिक कामकाज में दखल नहीं देता। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ, कई महीनों बाद जब वो लौटा तो काफी दुबला नजर आया। तभी भी कहा गया किम जोंग अपनी सभी बीमारियों का इलाज करवा रहे हैं। जो बाइडेन, दावे किए जाते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन डिमेंशिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। ये दावे इसलिए भी किए जाते रहे हैं क्योंकि एक यात्रा के दौरान जब वो प्लेन पर चढ़ रहे थे तो लड़खड़ा कर गिर पड़े। पिछले साल बाइडेन का एक वीडियो दुनिया भर में जबरदस्त वायरल हुआ, जिसमें वो उत्तरी कैरोलिना की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के स्टेज पर खड़े होकर स्पीच देते दिखाई देते हैं। जैसे ही बाइडेन भाषण खत्म करते हैं तो मुड़कर हवा में अकेले हाथ मिलाते हैं, जबकि इस दौरान वहाँ कोई खड़ा नहीं होता। इस गलती के बाद अचानक बाइडेन पीछे घूम गए और फिर धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतर गए। ये बीमारी ज्यादातर 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में देखी गई। इस बीमारी को अल्जाइमर की शुरुआत के रूप में जाना जाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की याददाश्त कम हो जाती है, वो बार बार चीजों को भूल जाता है, छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, उसके व्यक्तित्व में भी बदलाव हो जाता है। कई बार इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति अपनी भावनाओं को भी नियंत्रित नहीं कर पाता। डिमेंशिया सिर की चोट, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो सकता है। ये वो बीमारियां हैं जिनकी चपेट में है विश्व की दिग्गज हस्तियां। बीमारियों से बड़े से बड़ा लीडर भी नहीं बच पाता। अगर ये हस्तियां सोच ले दुनिया को बम बारूद नहीं, स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति और पर्यावरण पर काम करने की जरूरत है, तो हो सकता है एक नई दुनिया का निर्माण। NMF News की इस रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।